इसमें कोई दोराह नहीं है कि शिमला विधानसभा क्षेत्र के बाद अब कोई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है तो वो है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला की सीट को हॉट सीट भी माना जाता है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस के सचिव व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय पुरी ने कांग्रेस से बगावत कर आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा है। उनके आजाद खड़ा होने से यहां के वर्तमान विधायक व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को नुकसान हो रहा है। इन चुनावों में धर्मशाला से सर्वाधिक 13 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। सुधीर शर्मा को बागी दिग्विजयपुरी के अलावा गोरखा समुदाय के इस रण में उतरे रविंदर सिंह राणा से भी मुकाबला करना पड़ेगा। गौरतलब है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में अकेले गोरखा समुदाय के 10,000 वोट हैं और पिछले 2012 के विधानसभा चुनावों में गोरखा समुदाय ने कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा को अपना समर्थन दिया था और सुधीर शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार किशन कपूर को 5,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। अब रविंदर राणा के चुनावों में उतरने से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि गोरखा समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस को पड़ता रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय और महत्वपूर्ण धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अब तक विधानसभा चुनावों में बढ़त हासिल की है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाने के साथ साथ जीत की पारी में सिक्सर भी लगाया है। प्रदेश में सर्वाधिक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस एक पारी पीछे चल रही है। कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे दिग्विजय पुरी ने कहा कि सुधीर शर्मा ने कांग्रेस वर्करों की अनदेखी कर पुराने कांग्रेस के लोगों को दरकिनार किया है। उन्होंने सुधीर शर्मा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि पिछले 2012 के चुनावों के दौरान महज 15 दिनों में उनको जीत दिलाकर विधानसभा भेजा था, वे मंत्री भी बने। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मशाला में कांग्रेस नाम की चीज नहीं रह गई है और जो भी वायदे उन्होंने धर्मशाला की जनता के साथ किए थे उनको पूरा करने में वे असफल रहे हैं, इसलिए धर्मशाला के सभी कांग्रेसजनों ने उनको मैदान में उतारा है। मैं क्योंकि जो हमारे धर्मशाला कांग्रेस वर्कर्स थे जिन्होंने मिलकर पिछली दफा सुधीर शर्मा को जिताया, वो 15 दिनों में आकर धर्मशाला में जीत गए, जिन्हें वर्कर के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी वर्कर ने उनका साथ दिया और बीजेपी को उन्होंने दरकिनार किया, सुधीर शर्मा को जिताया। लेकिन आज वही वर्कर दरकिनार है, उस वर्कर का पता नहीं कहाँ है, उस वर्कर को घर बिठा दिया है। उन वर्कर के अनदेखी कारण वो वर्कर मेरे पास आया, बोला जी हमने, मैं 10 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा था, उन्होंने मेरे साथ ही काम किया, बोला जी आपके साथ काम किया, आप ही हमें नहीं पूछ रहे। मैं कहा भैया मंत्री तो वो हैं, तो बोले नहीं हम तो आपके साथ थे, आपके साथ काम किए थे, आप हमें बताया हम क्या करें। तो मैं उनके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ ताकि उनको जिंदा रख सके। हम धर्मशाला की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी अनदेखी की गई, कुछ पशु यहाँ आवारा घूमते हैं, लोगों की जो खेत हैं लोग उस पर कुछ उगा नहीं पा रहे, बंदरों की समस्या है उस पर किसी ने सोचा नहीं आज तक, तो ऐसी बहुत सारी और गलत मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई ऐसे रास्ते नहीं खोजे गए जिससे नौकरी नहीं तो कुछ और सिस्टम किया जाए ताकि जो हमारा युवा है वो काम लगे, कुछ घर का अपना खर्चा वर्चा निकाल सके। सर जो मंत्री जी ने वायदे किए थे धर्मशाला की जनता के साथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था और थे, तो वो क्या उन्होंने पूरे किए? मुझे वही तकलीफ की बात, वही दुख की बात है कि मुझे याद है पिछले अखबारों में बहुत छपा था कि समिता रानी जी तब इसी से संबंधित मंत्री थी और उन्होंने बोला कि यहाँ से हमें जमीन के कागज ही नहीं भेजे गए, और जहाँ जिन्होंने पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आईटी पार्क की बात की, आईटी पार्क का बोर्ड हटाकर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा दिया, वो तो स्लाइडिंग लैंड है सारी जहाँ इन्होंने वो बोर्ड लगाया। मुझे यही बात नहीं समझ आती, ट्रॉली की बात करते हैं और पिछले साल शिमला से इन्होंने खबर छपाई कि ट्रॉली दिसंबर में चालू हो जाएगी, ये तो अगले साल का दिसंबर भी आ गया। वर्कर हमसे बहस थे कि जी मंत्री जी ने तो खबर लगवाई है शिमला से कि ट्रॉली चालू हो जाएगी दिसंबर में, मैं कहा भैया वो तो कुछ भी नहीं आया, वर्कर मानता नहीं था मेरे पास, लेकिन आज साक्षात उनके सामने सच्चाई आ रही है कि कितना बड़ा बड़ा झूठ बोला गया धर्मशाला की जनता से, जिन्होंने सर आंखों पर रखा, यहां से जिताकर मंत्री भी बनवाया। वहीं गोरखा समुदाय से मैदान में उतरे रविंदर राणा ने कहा कि लोग दोनों पार्टियों से उब चुके हैं और अब तीसरा विकल्प देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने कोई भी विकास नहीं करवाया है, जिस कारण यहां की जनता दोनों पार्टियों से उब चुकी है।
धर्मशाला की यही पुकार रविंदर राणा आपकी बार। धर्मशाला की जो जनता है वो भाजपा और कांग्रेस से उठ चुकी है। ये दोनों पार्टियां जो है हमारे धर्मशाला के लिए ऐसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई है जिससे कि हमारे यूथ और जो हमारे बेरोजगार की जो समस्या है वो दूर नहीं कर पाई है। उसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक की जो समस्या है, इतना हमारा पर्यटन नगरी है लेकिन जो हमारे ट्रैफिक की समस्या है ये इनको दूर करने में असमर्थ रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे धर्मशाला वासियों ने मुझे आगे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भेजा है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे पूरे धर्मशाला के जितने भी हमारी उम्मीदें हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। और मैं सभी धर्मशाला वासियों से निवेदन करता हूं कि आप सही चयन करें और धर्मशाला में आप सही उम्मीदवार को विजय बनाए। हाँ, CPIM ने मुझे जो है हमारे पार्टी को या मुझे जो है उन्होंने सपोर्ट किया है क्योंकि ये जो हमारा CPI पार्टी जो बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है और हम भी हैं साफ सुथरे लोग हैं। भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर ने कहा कि कई घोषणाएं धर्मशाला के लिए हुई उनमें से कई पर भी एक ईंट तक नहीं लगाई गई, सब कोरी घोषणाएं बनकर रह गई। उन्होंने कहा कि सपने बहुत दिखाए गए जैसे मोनोरेल, स्काई बस, मोपेड कार, रोप वे बनाने के सपने सपने ही रह गए। उन्होंने सुधीर शर्मा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि 2012 के चुनावों में सुधीर ने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी लेकिन वो प्राथमिकता उनकी कहां गई। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता धर्मशाला के लोगों को भयमुक्त माहौल देना है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में गुंडा राज, माफिया राज पनपा है और कई प्रकार की घटनाएं भी प्रदेश में हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और धर्मशाला की जनता उन्हें जबरदस्त सहयोग दे रही है। धर्मशाला की जनता को न्याय मैं पहले भी दिलाता रहा हूं, आगे भी दिलाऊंगा। और जो कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ उसकी दशा बड़ी दयनीय है। चोरियां हो रही है, गैंगरेप हुए, हत्याएं हुई, उनका कोई FIR लॉज नहीं हुई और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास हुआ तो अपने घर का विकास हुआ है। आम जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नारे बहुत दिए गए, सपने बहुत दिखाए गए, मोनो रेल का सपना, स्काई बस का सपना, मोपेड कार का सपना, रोपवे के सपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे कहा था मैं हमारी प्राथमिकता रहेगी 2012 के चुनावों में, वहां शिलान्यास तो जरूर हो गए, एक ईंट तक नहीं लगी, दो रोपवे के शिलान्यास हुए माँ हिमानी चमंडा के लिए, चमंडा से लेकर धर्मशाला में कोतवाली बाजार जो बस स्टैंड है वहां से लेकर बागसुंदा के लिए, और कहा था हम त्रिउंड के लिए बस रोपवे बनाएंगे। रोपवे तो चक्कर, लाका, ठटारना और क्या क्या नाम लिखे थे। और उन्होंने कहा कि हम ट्रैक रूट बनाएंगे, कहाँ के लिए बनाएंगे, क्वारसी के लिए बनाएंगे, क्वारसी भरमौर में आता है, दल नागदल की बात कही थी, एक 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 कण नहीं लगा, एक कण नहीं लगा, करेरी और लमडल की बात की गई थी। धर्मशाला जो डल लेक है हमारी जिसे छोटा मणिमहेश के नाम से जाना जाता है, उसका विस्तारीकरण का, उसके उसको सुंदर बनाने का हमने कार्य शुरू किया था। 5 साल उसमें कुछ नहीं किया गया, हालांकि उसमें और गाद भर गई और जिस दिन गए तो लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों पर लाठियां बरसा दी बिना कारण के। लोकतंत्र में लोगों का अधिकार होता है रोष प्रकट करना। CEO के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? CEO में हमारा स्टैंड जो पहले था वही रहेगा, मैंने कई बार आपको बोला